हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। डियर, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी हर रीडिंग में, अपनी हर वीडियो में आपसे एक ही बात कहती हूँ कि खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, इस दुनिया में कोई भी पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, इस दुनिया में अगेन कह रही हूँ कि कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा, कोई भी आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा। तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की रीडिंग में हम डियर देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके पर्सन हैं, देखिए आप मैरिड हो सकते हैं या फिर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, है ना। तो आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है एंड वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना, ये रीडिंग आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। बी पॉजिटिव हो जाइए एंड प्रे कीजिए यूनिवर्स एंजल से कि आपके लिए पॉजिटिव ही कार्ड आए, है ना। आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली मिस कर रहे होंगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, अपनी इंटेंशन से कह सकती हूँ। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग एंड डियर यूनिवर्स गाइडेंस भी देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या साइन देना चाहते हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं, तो वो भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। लेकिन उससे पहले हम आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देखते हैं। ओके, चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। ओके डियर, पॉजिटिव रहिएगा। चलिए डियर देखते हैं। शांत हैं, बहुत ज़्यादा शांत हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश की है उन्होंने सब कुछ ठीक करने की, लेकिन अभी उनके मन मुताबिक कुछ भी हुआ नहीं है। बहुत परेशान लग रहे हैं, शांत हैं। एंड यार, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है ना, जो भी सब कुछ उस प्रॉब्लम हुई है उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। उन्हें पूरा भरोसा हो गया है कि ये जो सब कुछ आपके बीच में हुआ है ना, थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। एंड यार, जस्टिस करना चाहते हैं। आपके साथ जो बुरा किया है, आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, इनकी इनकी फैमिली ने बुरा किया है, थर्ड पार्टी ने बुरा किया है, या फिर इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, इन्हें पता है कि आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया है, तो उन्हें आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। एंड जो सिचुएशन उनकी अभी चल रही है, जो बहुत ख़राब सिचुएशन में हैं ये बेचारे, तो ये इस बात को सोच रहे हैं कि ये जो सिचुएशन मेरी हो रही है ना, वो मुझे कर्मा मिला है आपके साथ बुरा करने का। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अब न्याय कर रहे हैं, मुझे सजा दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इन पर बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्योंकि सब इन्हें ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से, यानी कि इनके फ्रेंड्स वगैरह इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं कि तुम अगर अपने पार्टनर से दूर हो तो उसमें आपकी कमी है, आपके पार्टनर की कमी निकल रही है। उन पर बहुत ज़्यादा ब्लेम लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग हो रही है। उनके दोस्त जो है ना, उन पर बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है डियर। इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आपका इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो कोशिश उन्हें करनी थी कर ली है। बहुत बेसब्री से ना आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आप लौट कर जरूर आओगे उनके पास। एनर्जी बहुत अच्छी है यार, पॉजिटिव सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लड़ना झगड़ना कुछ भी पड़ेगा, सॉरी बोलनी भी पड़ेगी तो भी आपके पास आएंगे और आपसे आपको से सॉरी बोलेंगे और आपको अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। ये देखिए, पूरे तैयार हैं आपसे मिलने के लिए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये देखिए, इन्हें कोई ना कोई हेल्प करने वाला है, खासकर कोई ऐसी लेडीज़ जो इनकी हेल्प करने वाली है इनके सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, तो लेडीज़ की हेल्प मिल सकती है इन्हें। एक्शन लेना चाहते हैं, एनर्जी बहुत अच्छी है डियर, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ये देखिए, इस वक्त पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करेंगे, आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। एंड यार, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट भी करने वाले हैं। एंड यार, अभी देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि क्या कार्ड आए हैं आपके लिए एंजल्स
क्या साइन देना चाहते हैं आपको। देखिए डियर, जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं वो जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले, यानी कि आप अभी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, एक जॉब का वेट कर रहे हो, या फिर एक नई बिजनेस का स्टार्ट करने का वेट कर रहे हो, तो बहुत जल्दी फ्यूचर में आपको ये मिलने वाली है। विश्वास करना है आपको खुद पर, सेल्फ ट्रस्ट आपको करना है, खुद पर भरोसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना है। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने पार्टनर पर भी भरोसा रखना है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं। एंड यस अगेन, देखिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो डोंट वरी यार, सब कुछ अच्छा होगा, बी पॉजिटिव, है ना। जरूर देखिए सक्सेस, अगेन कार्ड सक्सेस मिलने वाली आपको डियर, जो भी आप सोच रहे हो। तो यूनिवर्स यार आपको बहुत अच्छे साइन दे रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों सोच